Hello everyone, welcome back once again. My name is Ritu and today we will talk about very basic topic elements of design. Elements of design क्या होता है? वो essential या core aspect जो कोई भी design को बनाने में help करे उसको elements of design बोलते हैं. Elements of design in interior design includes space, lines, form या फिर shape, pattern, color, light and texture. अब हम इन सारे एलिमेंट्स को डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दूं कि आप कोई भी डिज़ाइन कोर्स कर सकते हैं इनफ्रेम कॉलेज से. वी हैव प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री कोर्स इन लीडिंग डिज़ाइन कोर्सेज लाइक इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, वीडियोग्राफी, एनिमेशन एक्सेट्रा. नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जा सकते हैं www.inframecollege.org. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला एलिमेंट स्पेस. स्पेस दो टाइप का होता है, नेगेटिव स्पेस एंड पॉजिटिव स्पेस. डिज़ाइन में जो मेन ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि ये चाबी, वो पॉजिटिव स्पेस कहलाता है, वाइल जो स्पेस ऑब्जेक्ट को सराउंड करता है एज अ बैकग्राउंड वो नेगेटिव स्पेस होता है. इस पिक्चर में राइट साइड पे जो रूम को फिल कर रहा है, डाइनिंग टेबल, चेयर, सोफ़ा, ये पॉजिटिव स्पेस है और जो खाली जगह है वो नेगेटिव स्पेस है. सेकंड एलिमेंट जो है वो है लाइंस. लाइंस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायनामिक हो सकती हैं. हम डिज़ाइन में लाइंस का यूज़ कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेस को वाइड दिखाता है और स्पेस को चौड़ा दिखाता है, पीसफुल, सिक्योर, कोजी एंड स्टेबल फील देता है. वर्टिकल लाइंस हमारी आईज़ को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाती हैं. स्पेस को एरी और हाइटेड दिखाने के लिए वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हैं. डायनेमिक लाइंस जिगजैग हो सकती हैं, एंगुलर हो सकती हैं या फिर कर्व्ड हो सकती हैं. जिगजैग एंड एंगुलर लाइंस स्पेस को एनर्जेटिक बनाता है और कर्व्स लाइंस स्मूदनेस, सॉफ्टनेस और बैलेंस करती हैं स्पेस को. चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं. पहली पिक्चर में वॉल पे हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज़ किया गया है जो दीवार को लॉन्गिट्यूडनल इफ़ेक्ट दे रहा है. दूसरी पिक्चर में वॉल पे वर्टिकल लाइंस को बैलेंस किया गया है कारपेट से जिस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. इन पिक्चर्स में वर्टिकल लाइंस को वॉल पे दिया है क्योंकि जो स्पेस है वो काफ़ी वाइड है और उसको बैलेंस करने के लिए वॉल पे वर्टिकल लाइंस देके उसको ब्रेक किया गया है. डायनेमिक लाइंस का यूज़ आप वॉल पे, फ्लोर पे या फिर सीलिंग पे कर सकते हैं. ये लाइंस स्पेस को एक एनर्जेटिक इफ़ेक्ट देता है. पिक्चर्स में आप डायनेमिक लाइंस के एग्जांपल देख सकते हैं. थर्ड एलिमेंट जो है वो है फॉर्म या फिर शेप. जब हम लाइंस का यूज़ करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं तो शेप बनता है. ये शेप्स एंगुलर हो सकते हैं जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन या फिर कर्व्ड हो सकते हैं जैसे कि सर्कल, ओवल एक्सेट्रा. ये कुछ पिक्चर्स हैं कि आप शेप को किस तरीके से अपने इंटीरियर में इन्वॉल्व कर सकते हैं. फोर्थ एलिमेंट है पैटर्न. पैटर्न किसी भी एरिया को या डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करते हैं. पैटर्न्स हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, सीलिंग्स पे, स्टेयर्स पे, वॉल्स पे. ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें वॉल पे पैटर्न्स दिए गए हैं. आप देख सकते हैं ये पैटर्न्स रूम के एक कॉर्नर को हाईलाइट कर रहे हैं. फिफ्थ एलिमेंट है लाइट. लाइट रूम के मूड को सेट करती है. लाइट को हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, नेचुरल लाइट एंड आर्टिफिशियल लाइट. नेचुरल लाइट जो हमें नेचुरली मिलती है विंडोज़ एंड डोर्स के अकॉर्डिंग हम अपने इंटीरियर को डिज़ाइन करते हैं जिससे मैक्सिमम नेचुरल लाइट घर के अंदर आ सके. ये पिक्चर्स लिविंग रूम की है जिसमें नेचुरल लाइट बड़ी विंडोज़ एंड डोर्स से अंदर आ रही है. आर्टिफिशियल लाइट थ्री टाइप्स की होती है, टास्क लाइट, एक्सेंट लाइट एंड एम्बियंट लाइट. टास्क लाइट जो कोई टास्क को करने में मदद करती है जैसे कि डेस्क लाइट, ओवरहेड किचन लाइट एक्सेट्रा. एक्सेंट लाइट ऐसी लाइट होती है जो किसी ऑब्जेक्ट या एरिया को फोकस करे, बेसिकली फोकल पॉइंट को हाईलाइट करती है लाइक आर्ट पीसेस को या स्कल्पचर्स को. एम्बियंट लाइट ओवरऑल स्पेस को लाइट देती है, इनको हम मूड लाइट भी बोल सकते हैं. ये लाइट पूरे रूम को यूनिफॉर्मिटी देती है.
चलिए इन सारी लाइट्स की पिक्चर्स देखते हैं। टास्क लाइट, पेंडेंट्स, अंडर कैबिनेट लाइट्स, फ्लोर, डेस्क या फिर टेबल लैम्प्स, बाथरूम वैनिटी लाइट्स, ये सारी टास्क लाइट्स हैं। एक्सेंट लाइट्स, वॉल लाइट्स होती हैं, रिसेस्ड स्पॉट लाइट्स, ट्रैक लाइट्स, वॉल माउंटेड पिक्चर लाइट्स। एम्बियंट लाइट के अंदर सीलिंग माउंटेड या फिर रिसेस्ड फिक्स्चर्स, वॉल्स काउंसर्स, फ्लोर लैम्प्स, कोव लाइट्स, फ्लोर लैम्प्स, पेंडेंट्स, ये सभी की सभी एम्बियंट लाइट्स हैं। लाइट के ऊपर एक अलग से वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लाइट को अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, दैट इज़ कलर। कलर जैसे कि सभी जानते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल एलिमेंट है। बैकग्राउंड्स, फर्नीचर, पेंट्स, टेक्सचर्स, सब में कलर एक लाइवली इफ़ेक्ट देता है। अगर आप कलर साइकोलॉजी समझना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बनाया हुआ है, आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कलर के वीडियो का और लाइट के वीडियो का भी। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप अपने इंटीरियर में कलर्स ऐड कर सकते हैं। लास्ट एलिमेंट जो है वो है टेक्सचर। टेक्सचर दो टाइप का होता है, एक्चुअल टेक्सचर एंड विजुअल टेक्सचर। एक्चुअल टेक्सचर वो होता है जिसको आप फील कर सकते हो, जैसे कि सिल्क, लेदर या फिर कॉन्क्रीट। विजुअल टेक्सचर जो आपको सिर्फ दिखता है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन वॉलपेपर सिर्फ स्टोन जैसा दिखता है, एक्चुअल में स्टोन नहीं होता है। ये पिक्चर्स एक्चुअल टेक्सचर की हैं और ये पिक्चर्स विजुअल टेक्सचर की हैं, जो सिर्फ दिखता है, एक्चुअल में होता नहीं है। मैं आपको फिर से बता दूं कि आप इंटीरियर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इनफ्रेम कॉलेज आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स एंड मास्टर्स कोर्स ऑफर करता है। आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फ्री काउंसलिंग के लिए और हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.inframecollege.org। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को। ऑल्सो कमेंट करके बताएं अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए है तो। थैंक यू सो मच।